सतयुग स्वर्ग के बारे में इसमें दिखाया है। हम आत्मा ही परम धाम से इस साकार सृष्टि में आते हुए फिर कैसे बचपन में हम लोग शिक्षाएं प्राप्त करते हैं कलाओं के माध्यम से, फिर हमारे जीवन कितना श्रेष्ठ, हम सब गुणों में संपन्न होते हैं सुलभ कला में, और वहाँ कैसे जीवन गृहस्थ जीवन होता है लेकिन प्रकृति के मालिक होते हैं, नदियों के किनारे पर हमारे किस प्रकार की महल होती है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य। आज भी बाबा ने कहा सोने की ईंटे के बारे में, फिर उसके बाद सूर्यवंशी के बाद फिर चंद्रवंशी का शुरुआत होती है, फिर हम द्वापर युग में प्रवेश करते हैं, फिर हमारी कीर्ति कला होती है, और फिर यहाँ से हम लोग भक्ति प्रारंभ करते हैं, धर्म पिताओं का आगमन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर सब जो भी VIPs वगैरह सब आते हैं तो उनको हम गाइड करते हैं कैसे परमात्मा का कर्तव्य तीन देवताओं के द्वारा दिखाया है, फिर कैसे धर्मरानी का समय होता है तो परमात्मा का अवतरण होता है, उनका वादा, फिर हम इसमें विभिन्न भिन्न संस्कृति परंपराओं में अलग अलग मान्यताओं के बारे में भी। अभी हम प्रवेश कर रहे हैं कलयुग में, कैसे हमारी स्थिति हो चुकी है, चारों तरफ अज्ञान अंधकार छाया हुआ है, कैसे घर घर आज महाभारत की स्थिति है, और जैसे हमने कर्म करते हैं वैसे ही फल हम क्रिया का प्रतिक्रिया कैसे समान रूप में होती है, ये उतरती कला की सीढ़ियां हैं, कैसे उतरते उतरते फिर परमात्मा का वादा है और उनका महावाक्य जब जब आना हुआ इस धरती पर परमात्मा का, कैसे उन्होंने बताया था कि हम निजानंद स्वरूपम शिवम शिवम। अभी हम संगम में पहुँचे हैं, तपस्या कर रहे हैं, और फिर हम कैसे फरिश्ते बन करके फिर कर्मयोगी के बारे में दिखाया है, और अष्ट शक्तियाँ कैसे हमारे जीवन में आती हैं, फिर हमारा लक्ष्य कैसे दिखाया है। फिर हम चक्र में आकर के संगम की अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, सीढ़ियाँ भी कितनी कला और फिर परिवर्तन चिकित्सा, फिर बाबा की जीवन कहानी, मम्मा, तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी सेवा है, जो भी आते हैं तो उनको ज्ञान बाबा की परिचय संस्था का परिचय देते हैं हम। ओम शांति।